मुझे यहाँ नहीं रुकना। जा रही हैं, बात तो सुनिए। हर बात का जवाब चाहिए होता है ना तुम्हें। सीधा क्या कर रही हो, क्यों आई हो, क्या लेने आई हो, अपनी मोहब्बत से मिलने की वजह थोड़ी चाहिए होती है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। जा रही हैं, आप बात तो सुनिए। देखिए, मुझे फोर्स मत कीजिए कि मैं जबरदस्ती करूं। अभी मेरे साथ गाड़ी में चलिए प्लीज। और ये भी तो हो सकता है नसीब भरी कि मैं आला ज़र्फ ना हूं। आपका नंबर अपने सारे दोस्तों में बांट। नाफाखोर ज्यादा और बड़े दिल वाला कम समझते हैं। मगर मेरे दिल ने तो आपके बारे में कुछ और ही कहा है। अस्सलामु अलैकुम नासरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल सीजन 2 के बारे में। अगर आपने ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल देखा है, यकीनन आपको भी दिलचस्पी होगी ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल सीजन 2 की स्टोरी जानने में। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करेंगे। जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल नाज़रीन की जानिब से पसंद करने और ज़्यादा सराहने के बाद अब हम लिखने जा रहे ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल सीज़न 2। सीज़न 2 में क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्टोरी क्या होगी, जान लीजिए इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, सीज़न 2 में देखने को मिलेगा कि जैसे ही वकास कासिम साहब ने हारिस को हक करके अपने घर से निकाल दिया, हारिस इस नीयत से घर से निकल जाएगा कि मैं अपने वालिदैन को ये दिखाऊँगा कि कैसे मैं उनके बग़ैर भी कामयाब हो सकता हूँ, और उसका असल मुकाबला कादर के साथ होगा। ये सोचकर निकल जाएगा कि मैं बाहर जाकर खूब मेहनत करके तरक्की करके कादर का मुकाबला करूंगा और उसको गिराऊंगा और उसको नीचा दिखाऊंगा। इस सिलसिले में जैसे ही हारिस घर से निकल जाएगा, काफ़ी दिनों तक सड़कों पर धक्की खाने के बाद बिलाखिर उसको रहने का ठिकाना मिल जाएगा और अपने जॉब पर फोकस करेगा दिन रात, मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने के पीछे लगा रहेगा। इस कोशिश में बिलाखिर किसी हद तक हारिस कामयाबी हो जाएगा, क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब करता था, दिन रात मेहनत करके ये जाहिर करेगा कि वो किस कदर कंपनी के साथ मुखलिस है और काम किस तरह अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा है, क्योंकि उसके पास भी तो कोई और एक्टिविटी नहीं होगी। फैमिली में किसी के साथ रابطہ नहीं रखेगा और उसके ज़िंदगी में काम काम सिर्फ काम काम के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं होगी। तो सिर्फ काम पर फोकस करते हुए बिलाखिर हारिस अपनी कंपनी में तरक्की करके एक बड़े पोस्ट पर फाइज हो जाएगा। कंपनी में बड़ा पोस्ट हासिल करने में काफ़ी अरसा लगाते हुए खूब मेहनत भी हारिस करेगा। इस दौरान वो शादी भी नहीं करेगा और अपना पूरा का पूरा वक्त काम और पैसा कमाने में लगाएगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कादर भी उससे कोई कम नहीं। एक जानिब तो वो भी अपनी कंपनी में खूब तरक्की करेगा तो साथ साथ उसकी बीवी हुरम भी तरक्की करती रहेगी। हारिस सिर्फ जॉब के सिलसिले में तरक्की तो कर देगा, लेकिन शादी नहीं करने के वजह से वो खाली हाथ रहेगा। ज़िंदगी में उसकी कोई खुशी नहीं होगी, हर तरफ सिर्फ पैसे और पैसे के बारे में सोचता रहेगा। उधर कादर और हुरम दोनों साहिबी औलाद भी हो जाएंगे। उधर हारिस ज़िंदगी का तवील अरसा मेहनत करके कंपनी में तरक्की हासिल करने के पीछे लगा तो देगा, लेकिन जब उसको इस बात का पता चलेगा कि साथ साथ उधर कादर और हुरम भी दोनों तरक्की करते जा रहे हैं, इस जॉब को कंटिन्यू रखते हुए मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि एक जानिब अगर कादर भी बीवी के साथ एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है तो दूसरी जानिब कासिम साहब की पूरी ज़िंदगी के जमा पूंजी भी तो हारिस के नाम होने जा रहा है। इस वजह से हारिस ये सोच लेगा कि मैं तो इस जॉब को कंटिन्यू रखते हुए
कादर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके पास कोई इतना सेविंग नहीं होगा जिससे वो कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके। काफ़ी सोचने समझने के बाद हारिस इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि अब सीधा तरीके से तो वो कादर का मुकाबला नहीं कर सकता और अपने वालिदैन को दिखा नहीं सकता कि वो कितना जल्दी सक्सेस हो गया है। तो इसलिए गलत रास्ता इख्तियार करते हुए एक जानिब तो अपनी ही कंपनी में अपने पोस्ट से फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे लूटता रहेगा और करप्शन में भी मुलव्वस हो जाएगा, तो दूसरी जानिब इस तरीके से भी जितना वक़्त उसने टारगेट किया है उसमें वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए कंपनी से बाहर भी एक ग्रुप बनाकर गलत कामों में लग जाएगा, एक जानिब मुंशियात स्मगलिंग में तो दूसरी जानिब अगवा बराए तावान के लिए भी एक अलग टीम तश्कील देगा। गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेगा और अपना ही एक टीम बनाकर लोगों को अगवा करके अगवा बराए तावान में पैसे जमा करता रहेगा। यह सिलसिला कुछ अरसे तक बरकरार रहेगा और कुछ ही अरसे में अच्छा खासा रकम हारिस जमा भी कर लेगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कादर और हुरम दोनों के यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा और उसके बाद भी दोनों अपना जॉब कंटिन्यू करते रहेंगे। दिन ब दिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती रहेगी, वालदा और वालिद दोनों भी उनके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। शुरू शुरू में हारिस के जाने के बाद कहकशा अलग रो कर अपने बैठ कर अपने बेटे को याद करके रोती रहती, तो दूसरी जानिब कासिम भी सबसे चुप कर हारिस के लिए परेशान होता रहा। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद माँ और बाप दोनों हारिस को भूल जाएंगे। उस वक़्त जब कादर और हुरम दोनों की औलाद दुनिया में आ जाएगी, कहकशा और कासिम दोनों अपने पोते के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दूसरी जानिब अगर सूबिया का देखा जाए तो यासमीन उसको संभालने में भी नाकाम हो जाएगी। हारिस के साथ धोखा खाने के बाद उसका भी फितरत बदलने वाला नहीं, उसी तरह पैसे के पीछे भागती रहेगी। तो कभी एक लड़के के साथ वक़्त गुजारते हुए उसको लूटने का कोशिश कर रही होगी तो कभी दूसरे लड़के के साथ। दिन भर घर से बाहर रहेगी, गलत लोगों के साथ उठना बैठना सूबिया का भी होगा, गलत दोस्त बनाकर उनके साथ वक़्त गुजार रही होगी। यास्मीन उसको रोकने का हर वक़्त कोशिश करती रहेगी लेकिन वो अपनी वालदा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। सूबिया का काम यही होगा कि कभी किसी लड़के के साथ रंगीन वक़्त गुजार रही होगी तो कभी किसी और लड़के के साथ। एक लड़का उसको डेट पर ले जाकर घुमा फिरा कर उसके साथ रंगीन वक़्त गुजारने के बाद घर छोड़कर जाएगा तो दूसरा लड़का सूबिया को पिक करने के लिए उसके घर तक पहुंचता रहेगा। इसी सिलसिले को सूबिया बरकरार रखते हुए एक दिन मॉल में अपने एक यार के साथ घूम रही होगी कि उसी दौरान कादर और हुरम दोनों भी मॉल में अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे होंगे। कादर और हुरम दोनों के साथ उनकी औलाद देखकर सूबिया परेशान हो जाएगी और अब ज़िद में आ जाएगी ये सोचकर कि जिस लड़की की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ वो किस तरह कादर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है, और ये भी सोचेगी कि काश मैं उस वक़्त हारिस के पीछे न भागती तो आज हुरम की जगह कादर के साथ मैं होती। और मेरे हुरम और कादर दोनों को खुश देखने के बाद सूबिया ये ठान लेगी कि अब इन दोनों के बीच दूरी पैदा करने का कोशिश करूंगी और कोशिश किया कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके ही रहूंगी। इस सिलसिले में एक बार फिर उनके घर चली जाएगी और कहकशा और कासम से माफ़ी मांगेगी और उनसे अपना दुख दर्द ड्रामा बना कर पेश करेगी कि आप लोगों की बहू तो खैर नहीं, हारिस ने उसको तलाक दे कर गया था
कहेगी कि हारिस के छोड़कर जाने के बाद आज तक मुझे कोई हमसफ़र नहीं मिला और मैं उसके साथ इस कदर मोहब्बत करती थी कि मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं सारी ज़िंदगी वैसे तनहा गुजारूंगी। उसका मतलब यही होगा कि कासम के घर में उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके कोई मौका तलाश करे जिसमें वो कादर और हुरम दोनों को अलग कर सके। लेकिन जैसे ही उनके घर में उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करेगी तो फौरन मीरा और अनस दोनों का रिश्ता तोड़ने के पीछे लग जाएगी। कहाल तो उन दोनों का निकाह होने के बाद रुख्सती नहीं हुई है, अब सूबिया उनके घर आकर उन दोनों के बीच दूरी पैदा करने और अनस को मीरा से छीनने के सिलसिले में। अस्सलामु अलैकुम नासरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल सीज़न 2 के बारे में। अगर आपने ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल देखा है यकीनन आपको भी दिलचस्पी होगी ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल सीज़न 2 की स्टोरी जानने में। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करेंगे। जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल नाज़रीन की जानिब से पसंद करने और ज़्यादा सराहने के बाद अब हम लिखने जा रहे ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल सीज़न 2। सीज़न 2 में क्या कुछ देखने को मिलेगा, स्टोरी क्या होगी, जान लीजिए इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन सीज़न 2 में देखने को मिलेगा कि जैसे ही वकास कासिम साहब ने हारिस को हक करके अपने घर से निकाल दिया, हारिस इस नीयत से घर से निकल जाएगा कि मैं अपने वालिदैन को ये दिखाऊंगा कि कैसे मैं उनके बग़ैर भी कामयाब हो सकता हूं, और उसका असल मुकाबला कादर के साथ होगा। ये सोचकर निकल जाएगा कि मैं बाहर जाकर खूब मेहनत करके तरक्की करके कादर का मुकाबला करूंगा और उसको गिराऊंगा और उसको नीचा दिखाऊंगा। इस सिलसिले में जैसे ही हारिस घर से निकल जाएगा, काफ़ी दिनों तक सड़कों पर धक्की खाने के बाद बिलाखिर उसको रहने का ठिकाना मिल जाएगा और अपने जॉब पर फोकस करेगा दिन रात मेहनत करके, सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने के पीछे लगा रहेगा। इस कोशिश में बिलाखिर किसी हद तक हारिस कामयाबी हो जाएगा क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब करता था दिन रात मेहनत करके ये जाहिर करेगा कि वो किस कदर कंपनी के साथ मुखलिस है और काम किस तरह अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा है, क्योंकि उसके पास भी तो कोई और एक्टिविटी नहीं होगी। फैमिली में किसी के साथ रابطہ नहीं रखेगा और उसके ज़िंदगी में काम काम सिर्फ काम काम के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं होगी। तो सिर्फ काम पर फोकस करते हुए बिलाखिर हारिस अपनी कंपनी में तरक्की करके एक बड़े पोस्ट पर फाइज हो जाएगा। हुरम और कादर दोनों को खुश देखने के बाद सुबिया ये ठान लेगी कि अब इन दोनों के बीच दूरी पैदा करने का कोशिश करूंगी और कोशिश किया कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके ही रहूंगी। इस सिलसिले में एक बार फिर उनके घर चली जाएगी और कहकशा और कसम से माफ़ी मांगेगी और उनसे अपना दुख दर्द ड्रामा बनाकर पेश करेगी कि आप लोगों की बहू तो खैर नहीं, हारिस ने उसको तलाक दे कर गया था। कहेगी कि हारिस के छोड़कर जाने के बाद आज तक मुझे कोई हमसफ़र नहीं मिला और मैं उसके साथ इस कदर मोहब्बत करती थी कि मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं सारी ज़िंदगी वैसे तनहा गुजारूंगी। उसका मतलब यही होगा कि कासम के घर में उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके कोई मौका तलाश करे जिसमें वो कादर और हुरम दोनों को अलग कर सके। लेकिन जैसे ही उनके घर में उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करेगी तो फौरन मीरा और अनस दोनों का रिश्ता तोड़ने के पीछे लग जाएगी। कहाल तो उन दोनों का निकाह होने के बाद रुख्सती नहीं हुई है, अब सूबिया उनके घर आकर उन दोनों के बीच दूरी पैदा करने और अनस को मीरा से छीनने के सिलसिले में। कंपनी में बड़ा पोस्ट हासिल करने में काफ़ी अरसा लगाते हुए खूब मेहनत भी हारिस करेगा।
इस दौरान वो शादी भी नहीं करेगा और अपना पूरा का पूरा वक्त काम और पैसा कमाने में लगाएगा। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो कादर भी उससे कोई कम नहीं। एक जानब तो वो भी अपनी कंपनी में खूब तरक्की करेगा तो साथ साथ उसकी बीवी हुरम भी तरक्की करती रहेगी। हारिस सिर्फ जॉब के सिलसिले में तरक्की तो कर देगा लेकिन शादी नहीं करने के वजह से वो खाली हाथ रहेगा। ज़िंदगी में उसकी कोई खुशी नहीं होगी, हर तरफ सिर्फ पैसे और पैसे के बारे में सोचता रहेगा। उधर कादर और हुरम दोनों साहिबी औलाद भी हो जाएंगे। काफ़ी सोचने समझने के बाद हारिस इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि अब सीधा तरीके से तो वो कादर का मुकाबला नहीं कर सकता और अपने वालिदैन को दिखा नहीं सकता कि वो कितना जल्दी सक्सेस हो गया है। तो इसलिए गलत रास्ता इख्तियार करते हुए एक जानिब तो अपनी ही कंपनी में अपने पोस्ट से फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे लूटता रहेगा और करप्शन में भी मुलव्वस हो जाएगा। तो दूसरी जानिब इस तरीके से भी जितना वक़्त उसने टारगेट किया है उसमें वो कुछ हासिल नहीं कर सकता, तो इसलिए कंपनी से बाहर भी एक ग्रुप बनाकर गलत कामों में लग जाएगा। एक जानिब मुंशियात स्मगलिंग में तो दूसरी जानिब अगवा बराए तावान के लिए भी एक अलग टीम तश्कील देगा। गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेगा और अपना ही एक टीम बनाकर लोगों को अगवा करके अगवा बराए तावान में पैसे जमा करता रहेगा। यह सिलसिला कुछ अरसे तक बरकरार रहेगा और कुछ ही अरसे में अच्छा खासा रकम हारिस जमा भी कर लेगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कादर और हुरम दोनों के यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा और उसके बाद भी दोनों अपना जॉब कंटिन्यू करते रहेंगे। दिन ब दिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती रहेगी। वालदा और वालिद दोनों भी उनके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। शुरू शुरू में हारिस के जाने के बाद कहकशा अलग रो कर अपने बैठ कर अपने बेटे को याद करके रोती रहती, तो दूसरी जानिब कासिम भी सबसे चुप चुप कर हारिस के लिए परेशान होता रहा। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद माँ और बाप दोनों हारिस को भूल जाएंगे। उस वक़्त जब कादर और हुरम दोनों की औलाद दुनिया में आ जाएगी, कहकशा और कासिम दोनों अपने पोते के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दूसरी जानिब अगर सूबिया का देखा जाए तो यासमीन उसको संभालने में भी नाकाम हो जाएगी। हारिस के साथ धोखा खाने के बाद उसका भी फितरत बदलने वाला नहीं, उसी तरह पैसे के पीछे भागती रहेगी। तो कभी एक लड़के के साथ वक़्त गुजारते हुए उसको लूटने का कोशिश कर रही होगी तो कभी दूसरे लड़के के साथ। दिन भर घर से बाहर रहेगी, गलत लोगों के साथ उठना बैठना सूबिया का भी होगा, गलत दोस्त बनाकर उनके साथ वक़्त गुजार रही होगी। यास्मीन उसको रोकने का हर वक़्त कोशिश करती रहेगी लेकिन वो अपनी वालदा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। उधर हारिस ज़िंदगी का तवील अरसा मेहनत करके कंपनी में तरक्की हासिल करने के पीछे लगा तो दे गया, लेकिन जब उसको इस बात का पता चलेगा कि साथ साथ उधर कादर और हुरम भी दोनों तरक्की करते जा रहे हैं, इस जॉब को कंटिन्यू रखते हुए मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि एक जानिब अगर कादर भी बीवी के साथ एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है तो दूसरी जानिब कासिम साहब की पूरी ज़िंदगी के जमा पूंजी भी तो हारिस के नाम होने जा रहा है। इस वजह से हारिस ये सोच लेगा कि मैं तो इस जॉब को कंटिन्यू रखते हुए कादर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके पास कोई इतना सेविंग नहीं होगा जिससे वो कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके। सूबिया का काम यही होगा कि कभी किसी लड़के के साथ रंगीन वक़्त गुजार रही होगी तो कभी किसी और लड़के के साथ। एक लड़का उसको डेट पर ले जाकर घुमा फिरा कर उसके साथ रंगीन वक़्त गुजारने के बाद घर छोड़ कर जाएगा
तो दूसरा लड़का सूबिया को पिक करने के लिए उसके घर तक पहुंचता रहेगा। इसी सिलसिले को सूबिया बरकरार रखते हुए एक दिन मॉल में अपने एक यार के साथ घूम रही होगी कि उस दौरान कादर और हुरम दोनों भी मॉल में अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे होंगे। कादर और हुरम दोनों के साथ उनकी औलाद देखकर सूबिया परेशान हो जाएगी और अब ज़िद में आ जाएगी ये सोचकर कि जिस लड़की की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ वो किस तरह कादर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है, और ये भी सोचेगी कि काश मैं उस वक़्त हारिस के पीछे न भागती तो आज हुरम की जगह कादर के साथ मैं होती। और मेरे काफ़ी सोचने समझने के बाद हारिस इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि अब सीधा तरीके से तो वो कादर का मुकाबला नहीं कर सकता और अपने वालिदैन को दिखा नहीं सकता कि वो कितना जल्दी सक्सेस हो गया है। तो इसलिए गलत रास्ता इख्तियार करते हुए एक जानिब तो अपनी ही कंपनी में अपने पोस्ट से फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे लूटता रहेगा और करप्शन में भी मुलव्वस हो जाएगा, तो दूसरी जानिब इस तरीके से भी जितना वक़्त उसने टारगेट किया है उसमें वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए कंपनी से बाहर भी एक ग्रुप बनाकर गलत कामों में लग जाएगा। एक जानिब मुंशियात स्मगलिंग में तो दूसरी जानिब अगवा बराए तावान के लिए भी एक अलग टीम तश्कील देगा। गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेगा और अपना ही एक टीम बनाकर लोगों को अगवा करके अगवा बराए तावान में पैसे जमा करता रहेगा। यह सिलसिला कुछ अरसे तक बरकरार रहेगा और कुछ ही अरसे में अच्छा खासा रकम हारिस जमा भी कर लेगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कादर और हुरम दोनों के यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा और उसके बाद भी दोनों अपना जॉब कंटिन्यू करते रहेंगे। दिन ब दिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती रहेगी। वालदा और वालिद दोनों भी उनके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। शुरू शुरू में हारिस के जाने के बाद कहकशा अलग बैठ कर अपने बेटे को याद करके रोती रहती, तो दूसरी जानिब कासिम भी सबसे चुप चुप कर हारिस के लिए परेशान होता रहा। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद माँ और बाप दोनों हारिस को भूल जाएंगे। उस वक़्त जब कादर और हुरम दोनों की औलाद दुनिया में आ जाएगी, कहकशा और कासिम दोनों अपने पोते के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दूसरी जानिब अगर सूबिया का देखा जाए तो यास्मीन उसको संभालने में भी नाकाम हो जाएगी। हारिस के साथ धोखा खाने के बाद उसका भी फितरत बदलने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल सीज़न 2 के स्टोरी के बारे में। YouTube पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल पहला सीज़न नाज़रीन के जानिब से ज़्यादा पसंद करने सराहने के बाद अब मैं लिखने जा रहा हूँ ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल सीज़न 2 की स्टोरी। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन ड्रामा सीरियल हाबिल काबिल सीज़न 2 में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा कि एक जानिब हारिस तो दूसरी जानिब सूबिया दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने फितरत से अलग होने का नाम नहीं ले रहे। हारिस अपने घर वालों को छोड़कर जाने के बाद कुछ दिनों तक सड़कों पर धक्के खाने के बाद सबक हासिल करने के बजाय मज़ीद ज़िद में और मुकाबलाबाजी में मुबतला होता रहेगा और अब ये ठान लेगा कि वो मेहनत करते हुए इतनी तरक्की हासिल करेगा कि वो कादर से आगे बढ़ेगा और अपने वालिदैन को भी यही दिखाएगा कि जिन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाला था अब मैं कामयाब होकर अपने वालिदैन को वापस अपने पीछे लगाऊंगा और उनको ये दिखाऊंगा कि तुम्हारे दुत्कारने के बाद अगर आप लोगों को ये लगा कि मैं सड़कों पर रहूँगा तो ऐसा नहीं हुआ, मैं काबिल था, काबिल हूँ और काबिल ही रहूँगा।
आज भी आप लोगों से आगे बढ़ चुका हूँ। ये सब कुछ सोचता रहेगा, लेकिन कुछ दिन सड़कों पर धक्के खाने के बाद बिलाखिर कोई ठिकाना उसको मिल जाएगा रहने के लिए, लेकिन जॉब अपना उसी तरह बरकरार रखेगा और कोशिश करेगा दिन रात मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के पीछे लगा रहेगा। शादी भी नहीं करेगा इसलिए कि उसकी तवज्जो फिर पैसे से हट जाएगी या उसको बीवी को टाइम देना पड़ेगा, इसलिए वो अपना पूरा का पूरा वक़्त सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे लगाता रहेगा और ऑफिस में भी दिल लगा कर मेहनत करते हुए काम करेगा। सुबह जल्दी जाकर रात को देर से आता रहेगा, ऑफिस के मामलात भी अच्छे तरीके से निपटाता रहेगा, जिसकी वजह से उसको बहुत जल्द तरक्की भी हो जाएगी और ये तरक्की होने के बाद उसका हौसला बढ़ जाएगा और मज़ीद तरक्की हासिल करने और अपने वालिदैन को नीचा दिखाने और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश में रहेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर कादर और हुरम दोनों के बारे में देखा जाए तो दोनों भी उसी तरह खुशी खुशी सुबह एक ही गाड़ी में ऑफिस जाते रहेंगे और रात को वापस अपने घर आते रहेंगे। दोनों की ज़िंदगी में दिन ब दिन खुशी बढ़ती रहेगी। उधर कहकशा अगर बाकी सबसे चुप कर अपने हारिस को याद करके रोती रहेगी और उसको एक नज़र देखने के लिए तड़पती रहेगी, लेकिन हारिस है कि घर से जाने के बाद पलट कर किसी को देखेगा भी नहीं। वकास को अगर देखा जाए तो बाकी फैमिली के सामने तो ये जाहिर कर रहा होगा कि हारिस के जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब भी किसी वक्त में अकेला होगा तो हारिस के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहेगा। और कुछ अरसे तक ये सिलसिला इसी तरह कासिम का भी तो दूसरी जानिब कहकशा का भी चलता रहेगा कासिम हारिस के लिए परेशान होने का, लेकिन बहुत जल्द जब कादर और हुरम दोनों साहिब औलाद हो जाएंगे, उनके घर नन्ना बच्चा आ जाएगा, तो कहकशा और कासिम दोनों अपने पोते के साथ खेलते कूदते हारिस को भूल जाएंगे और वो गम उनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी कादर के बेटे की सूरत में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल सीज़न 2 के स्टोरी के बारे में। यूट्यूब पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल पहला सीज़न नाज़रीन के जानिब से ज़्यादा पसंद करने सराहने के बाद अब मैं लिखने जा रहा हूँ ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल सीज़न 2 की स्टोरी। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हाबिल काबिल सीज़न 2 में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा कि एक जानिब हारिस तो दूसरी जानिब सोबिया दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने फितरत से अलग होने का नाम नहीं ले रहे। हारिस अपने घर वालों को छोड़कर जाने के बाद कुछ दिनों तक सड़कों पर धक्के खाने के बाद सबक हासिल करने के बजाय मज़ीद ज़िद में और मुकाबलाबाजी में मुबतला होता रहेगा और अब ये ठान लेगा कि वो मेहनत करते हुए इतनी तरक्की हासिल करेगा कि वो कादर से आगे बढ़ेगा और अपने वालिदैन को भी यही दिखाएगा कि जिन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाला था, अब मैं कामयाब होकर अपने वालिदैन को वापस अपने पीछे लगाऊंगा और उनको ये दिखाऊंगा कि तुम्हारे धुतकारने के बाद अगर आप लोगों को ये लगा कि मैं सड़कों पर रहूँगा तो ऐसा नहीं हुआ, मैं काबिल था, काबिल हूँ और काबिल ही रहूँगा, आज भी आप लोगों से आगे बढ़ चुका हूँ। ये सब कुछ सोचता रहेगा, लेकिन कुछ दिन सड़कों पर धक्के खाने के बाद बिलाखिर कोई ठिकाना उसको मिल जाएगा रहने के लिए, लेकिन जॉब अपना उसी तरह बरकरार रखेगा और कोशिश करेगा दिन रात मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के पीछे लगा रहेगा। शादी भी नहीं करेगा इसलिए कि उसकी तवज्जो फिर पैसे से हट जाएगी या उसको बीवी को टाइम देना पड़ेगा, इसलिए वो अपना
पूरा का पूरा वक़्त सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे लगाता रहेगा और ऑफिस में भी दिल लगा कर मेहनत करते हुए काम करेगा। सुबह जल्दी जाकर रात को देर से आता रहेगा। ऑफिस के मामलात भी अच्छे तरीके से निपटाता रहेगा, जिसकी वजह से उसको बहुत जल्द तरक्की भी हो जाएगी और ये तरक्की होने के बाद उसका हौसला बढ़ जाएगा और मज़ीद तरक्की हासिल करने और अपने वालिदैन को नीचा दिखाने और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश में रहेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर कादर और हुरम दोनों के बारे में देखा जाए तो दोनों भी उसी तरह खुशी खुशी सुबह एक ही गाड़ी में ऑफिस जाते रहेंगे और रात को वापस अपने घर आते रहेंगे। दोनों की ज़िंदगी में दिन ब दिन खुशी बढ़ती रहेगी। उधर कहकशा अगर बाकी सबसे चुप कर अपने हारिस को याद करके रोती रहेगी और उसको एक नज़र देखने के लिए तड़पती रहेगी, लेकिन हारिस है के घर से जाने के बाद पलट कर किसी को देखेगा भी नहीं। वकास को अगर देखा जाए तो बाकी फैमिली के सामने तो ये जाहिर कर रहा होगा कि हारिस के जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब भी किसी वक्त में अकेला होगा तो हारिस के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहेगा। और कुछ अरसे तक ये सिलसिला इसी तरह कासिम का भी तो दूसरी जानिब कहकशा का भी चलता रहेगा, कासिम हारिस के लिए परेशान होने का। लेकिन बहुत जल्द जब कादर और हुरम दोनों साहिब औलाद हो जाएंगे, उनके घर नन्ना बच्चा आ जाएगा, तो कहकशा और कासिम दोनों अपने पोते के साथ खेलते कूदते हारिस को भूल जाएंगे और वो गम उनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी कादर के बेटे की सूरत में मिल जाएगी। काफ़ी सोचने समझने के बाद हारिस इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि अब सीधा तरीके से तो वो कादर का मुकाबला नहीं कर सकता और अपने वालिदैन को दिखा नहीं सकता कि वो कितना जल्दी सक्सेस हो गया है। तो इसलिए गलत रास्ता इख्तियार करते हुए एक जानिब तो अपनी ही कंपनी में अपने पोस्ट से फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे लूटता रहेगा और करप्शन में भी मुलव्वस हो जाएगा, तो दूसरी जानिब इस तरीके से भी जितना वक़्त उसने टारगेट किया है उसमें वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए कंपनी से बाहर भी एक ग्रुप बनाकर गलत कामों में लग जाएगा। एक जानिब मुंशियात स्मगलिंग में तो दूसरी जानिब अगवा बराए तावान के लिए भी एक अलग टीम तश्कील देगा। गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेगा और अपना ही एक टीम बनाकर लोगों को अगवा करके अगवा बराए तावान में पैसे जमा करता रहेगा। यह सिलसिला कुछ अरसे तक बरकरार रहेगा और कुछ ही अरसे में अच्छा खासा रकम हारिस जमा भी कर लेगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कादर और हुरम दोनों के यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा और उसके बाद भी दोनों अपना जॉब कंटिन्यू करते रहेंगे। दिन ब दिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती रहेगी। वालदा और वालिद दोनों भी उनके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। शुरू शुरू में हारिस के जाने के बाद कहकशा अलग बैठ कर अपने बेटे को याद करके रोती रहती, तो दूसरी जानिब कासिम भी सबसे चुप चुप कर हारिस के लिए परेशान होता रहा। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद माँ और बाप दोनों हारिस को भूल जाएंगे। उस वक़्त जब कादर और हुरम दोनों की औलाद दुनिया में आ जाएगी, कहकशा और कासिम दोनों अपने पोते के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दूसरी जानिब अगर सूबिया का देखा जाए तो यासमीन उसको संभालने में भी नाकाम हो जाएगी। हारिस के साथ धोखा खाने के बाद उसका भी फितरत बदलने वाला नहीं। नाज़रीन, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर दीजिए।